हेलो गाइस, वेलकम टू फार्मेसी इम्पैक्ट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ और फार्मासिस्ट वैकेंसीज के रिगार्डिंग। वैकेंसी निकली है मालाबार कैंसर सेंटर में, फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। वीडियो के तक जरूर देखेगा, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो में हमेशा लेकर आता रहता हूँ फार्मा से रिलेटेड, फार्मा वैकेंसी रिलेटेड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन डेट आप देख पा रहे होंगे, 26/11/2024 का नोटिफिकेशन आया था। काफ़ी सारे यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो हम फार्मासिस्ट की बात कर लेते हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई, कितनी वैकेंसीज निकली हुई है, सैलरी क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे देखिए फिफ्थ नंबर का नोटिफिकेशन है, रेजिडेंट फार्मासिस्ट की यहाँ पे वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो डीफार्म बीफार्म मांगा गया है, और एज यहाँ पे 30 ईयर होनी चाहिए। वैकेंसी यहाँ पे एक वैकेंसी निकली है, और सैलरी की बात करें तो 17,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहने वाली है। तो एक काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली है, और एक केरला स्टेट की यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी एक है, और कॉन्टैक्ट पीरियड पर वैकेंसी निकली हुई है। स्टार्टिंग का जो कॉन्टैक्ट पीरियड रहेगा वो आपका 1 साल का रहेगा, और 1 से बढ़ कर 3 साल का हो जाएगा, और फिर 3 के बाद 5 साल तक का आप जो है कॉन्टैक्ट पीरियड हो सकता है, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा होता है, अगर आप वर्क अच्छा करते हैं। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा, तो क्या रिटन टेस्ट के बेस पर जो है आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद इंटरव्यू भी आपका होगा। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट बेसिस पर वैकेंसी है, और एड्रेस इन्होंने दे रखा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक MCC। ठीक है, तो इस एड्रेस पर जाकर आप जो है इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट शुड बी अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट, तो ये इन्होंने वेबसाइट दे रखी है www.mcc.kerala.gov.in। ठीक है, तो इस वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट है 15 फरवरी 2024, 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा देखिए एप्लीकेशन फ़ीस इन्होंने दे रखी है, कितनी इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है, SC ST कैटेगरीज के लिए 250 रुपये जो है फ़ीस रहने वाली है। इसके अलावा देखिए ओरिजिनल इन्होंने सर्टिफिकेट मांगा गया है, फोटोज़ आपके लगेंगे। ठीक है, तो ये अप्लाई करने से पहले एक बार इन्हें पढ़ लीजिएगा, जनरल कंडीशन है, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है फार्मासिस्ट के लिए, डीफार्म बीफार्म कैंडिडेट्स के लिए जो केरला स्टेट से हैं। तो देखिए फार्मासिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी होता है, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो अप्लाई ज़रूर करिएगा जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों इस पोस्ट के लिए। तो ये था इस वीडियो में जो मेरे को आपको बताना था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।